हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आज हम करने जा रहे हैं नेशनल नॉलेज कमीशन 2005 एंड पॉलिसी रिकमेंडेशन। सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, ठीक है, और फिर उसकी रिकमेंडेशन की बात करेंगे, ठीक है, कि इस पॉलिसी की रिकमेंडेशन क्या थी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इन इंडिया The National Knowledge Commission was constituted in June 2005 by the Prime Minister Mr. Manmohan under the chairmanship of Mr. Sam Pitroda to prepare a blueprint for reform of our knowledge related institutions and infrastructure which would enable India to meet the challenges of the future. So, National Knowledge Commission means NKC, इसको कॉन्स्टिट्यूट कब किया गया था? जून में 2005 में, और किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, ठीक है। किसकी चेयरमैनशिप में किया गया था? मिस्टर सैम पित्रोदा, ठीक है। तो ये ब्लूप्रिंट था कि जो नॉलेज है, नॉलेज रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है, उनको रिफॉर्म किया जाए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, तो जिससे कि जो इंडिया है वो अपने चैलेंजेस को पूरा कर सकेगा फ्यूचर में, ठीक है। तो इसका मेन मकसद यही था। चलिए इसकी बात करते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की। नॉलेज हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द की ड्राइविंग फोर्स ऑन द 21st century। तो 21st century में नॉलेज को बहुत ही ज़्यादा रिकॉग्नाइज किया गया, ठीक है। ये माना गया कि नॉलेज ही सब कुछ है, ठीक है। टुडे वी आर पासिंग थ्रू एन एरा ऑफ नॉलेज सेंचुरी। आजकल जो हम पास कर रहे हैं एरा है, वो है नॉलेज सेंचुरी का, ठीक है, कि नॉलेज इज पावर, वेयर वर्ल्ड्स ग्रोथ बाय इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर। तो किसी एक कंट्री की पावर को कैसे देखा जाता है कि वो कितना पावरफुल कंट्री है, उसकी ब्रेन पावर से, ना कि उसकी इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर से, ठीक है। द होल वर्ल्ड इज फाइंडिंग इटसेल्फ इन एन इंक्रीजिंगली कॉम्पिटिटिव एंड ग्लोबलाइज्ड इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। जो पूरी वर्ल्ड है वो अपने आप को एक कॉम्पिटिशन के अंदर पाती है कि उसके जो पीपल हैं, उसके जो सिटीजन हैं, कितने नॉलेजफुल हैं, ठीक है। इंडियाज एबिलिटी टू एमर्ज एज अ ग्लोबल कॉम्पिटिटिव नेशन विल सब्सटेंशली डिपेंड ऑन इट्स नॉलेज रिसोर्सेज। तो जो इंडिया की एबिलिटी है वो किस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सके, वो किस पे डिपेंड करती है? उसके नॉलेज रिसोर्सेज पर, ठीक है। द रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन इज टू इम्पार्ट नॉलेज। रियल मीनिंग है एजुकेशन क्या है, कि नॉलेज को इम्पार्ट करना एक पीपल से दूसरे पीपल तक, ठीक है। इन द फास्ट चेंजिंग ग्लोबल सिनेरियो देर इज़ अ अर्जेंट नीड फॉर एन इंटेग्रल एंड बैलेंस्ड एजुकेशन सिस्टम। तो आजकल जैसे कि जो वर्ल्ड है वो काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है, तो इसके लिए एक बैलेंस्ड एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरत है, विच नॉट ओनली हेल्प स्टूडेंट्स टू डेवलप देयर पर्सनैलिटी, जो ना केवल स्टूडेंट की पर्सनैलिटी को डेवलप करेगा, बट विल ऑल्सो रिजल्ट इन वेल क्वालिफाइड स्किल्ड ह्यूमन फोर्स। और बल्कि इससे जो उसके ह्यूमन होंगे वो वेल क्वालिफाइड होंगे और स्किल्ड होंगे, मीन्स उनकी ऐसी नॉलेज होनी चाहिए जिससे वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इन व्यू ऑफ दिस इंडिया हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड इट्स नेशनल नॉलेज कमीशन अंडर द गाइडेंस ऑफ हाई लेवल एडवाइजरी बॉडी टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू नॉलेज सोसाइटी कवरिंग सेक्टर्स रेंजिंग फ्रॉम एजुकेशन टू ई गवर्नेंस, ठीक है। तो इसका मेन मकसद यही था कि जो पूरी इंडिया है उसको एक नॉलेज सोसाइटी बना देना चाहिए, मीन्स सबके पास अलग अलग तरह की नॉलेज हो, कोई ना कोई नॉलेज हो, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ NKC, ठीक है। NKC के टर्म्स की रेफरेंस क्या थी? सो फर्स्ट इज बिल्ड एक्सीलेंस इन द एजुकेशन सिस्टम टू मीट द नॉलेज चैलेंजेस ऑफ द 21st century एंड इंक्रीज इंडियाज कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस इन द फील्ड ऑफ नॉलेज, ठीक है। इसका मेन यही मकसद था कि एजुकेशन सिस्टम में एक्सीलेंस को बिल्ड करना,
मीन्स सभी को नॉलेज प्रोवाइड करना इन द 21st सेंचुरी विच इज़ वेरी चैलेंजिंग सेंचुरी, ठीक है. सेकेंड इज़ प्रमोट क्रिएशन ऑफ नॉलेज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरीज, ठीक है. साइंस और टेक्नोलॉजी में भी नॉलेज बढ़े, प्रमोट हो, ठीक है. थर्ड, इम्प्रूव द मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन इंगेज्ड इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मीन्स जो किसी भी एक इंस्टीट्यूशन का मैनेजमेंट है उसमें भी इम्प्रूवमेंट हो. फोर्थ इज़ प्रमोट नॉलेज एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्री, नॉलेज एप्लीकेशन को एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में ज़्यादा प्रमोट करना. फिफ्थ इज़ प्रमोट द यूज़ ऑफ नॉलेज कैपेबिलिटीज़ इन मेकिंग गवर्नमेंट एन इफेक्टिव ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल सर्विस प्रोवाइडर टू द सिटीजन एंड प्रमोट वाइड स्प्रेड शेयरिंग ऑफ नॉलेज टू मैक्सिमाइज पब्लिक बेनिफिट. तो नॉलेज की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको प्रमोट करना किसमें, एक अच्छी गवर्नेंस लाने में, जिससे पीपल्स को बेनिफिट हो उससे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक बेनिफिट हो. सो ये थे इसके कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ एनकेसी. तो चलिए आगे चलते हैं, एनकेसी की रिकमेंडेशन देखते हैं. तो देखिए, फर्स्ट रिकमेंडेशन है इन्हांसिंग एक्सेस टू नॉलेज, नॉलेज का एक्सेस को बढ़ाना, ठीक है. री इन्विग्रेटिंग इंस्टीट्यूशन वेयर नॉलेज कॉन्सेप्ट्स आर इम्पार्टेड, जहाँ पर नॉलेज को दिया जा रहा है उसको रिनोवेट करना. क्रिएटिंग अ वर्ल्ड क्लास इन्वायरमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ नॉलेज, वर्ल्ड क्लास इन्वायरमेंट क्रिएट करना नॉलेज को क्रिएशन के लिए. प्रमोटिंग एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज फॉर सस्टेन्ड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, नॉलेज की एप्लीकेशन को प्रमोट करना जिससे एक अच्छी खासी ग्रोथ मिल सके फ्यूचर के लिए. यूजिंग नॉलेज एप्लीकेशन इन एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, नॉलेज एप्लीकेशन का यूज़ करना अलग अलग पब्लिक सर्विसेज में जिससे लोगों को बेनिफिट हो. तो ये थी इसकी कुछ रिकमेंडेशन. उसके बाद कुछ टाइम बाद अलग अलग रिकमेंडेशन आई हैं, इसको भी हम देख लेते हैं. तो फर्स्ट इज़ रिकमेंडेशन सबमिटेड इन 2006 में पहली लिस्ट आई थी रिकमेंडेशन की. इसमें थी लाइब्रेरीज, ट्रांसलेशन, लैंग्वेजेस, नेशनल नॉलेज नेटवर्क, राइट टू एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हायर एजुकेशन, नेशनल साइंस एंड सोशल साइंस फाउंडेशन, ई गवर्नेंस. सेकेंड आई थी आपकी रिकमेंडेशन सबमिटेड इन 2007 विच इज़ हेल्थ इंफॉर्मेशन नेटवर्क, पोर्टल्स, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, लीगल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, मैनेजमेंट एजुकेशन, ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इनोवेशन. ट्रेडिशनल हेल्थ सिस्टम, लीगल फ्रेमवर्क ऑफ पब्लिक फंडेड रिसर्च. थर्ड थी रिकमेंडेशन सबमिटेड इन 2008 स्कूल एजुकेशन, इंजीनियरिंग एजुकेशन, मोर टैलेंटेड स्टूडेंट्स इन मैथ एंड साइंस, मोर क्वालिटी PhDs, एंटरप्रेन्योरशिप. फोर्थ इज रिकमेंडेशन सबमिटेड इन 2009 नॉलेज एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, नॉलेज एप्लीकेशन फॉर इन्हांसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ. सो दिस इज ऑल अबाउट नेशनल नॉलेज कमीशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में NKC के भी नाम से जाना चाहता है, जो कि आई थी 2005 में जुलाई में, किसके द्वारा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, ठीक है. तो ये इसकी रिकमेंडेशन थी और इसकी इंट्रोडक्शन भी हमने देखी, ठीक है. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको कुछ समझ आया होगा, ठीक है. अगर आपको थोड़ा समझ नहीं आया है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है. सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू.